हेलो दोस्तों, मैडम को सुनवा आप देखना चाहूँ। दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड से बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं और उन्हीं में से मैं एक न्यूज़ लेके आया आपके सामने। और ये न्यूज़ कल ही निकल के आई है सामने। ये न्यूज़ है रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म बंटी और बबली 2 के बारे में। और इस फिल्म की शूटिंग कल कंप्लीट हो चुकी है। गाना शूट किया है जो इस फिल्म का लास्ट गाना था, जिसके बाद इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। और वैसे तो यह फिल्म 22 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 22 जून को ना तो इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो पाई और ना ही ये फिल्म रिलीज हो पाई। और लेकिन कल इस फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट की कर ली गई है। और इस फिल्म में अब की बार रानी मुखर्जी के साथ आपको सैफ अली खान नज़र आएंगे। हालांकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट था 2005 में आया था, और उसमें रानी मुखर्जी के अपोजिट आपको अभिषेक बच्चन नजर आए थे। बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन को भी इस फिल्म को लेकर ऑफर किया गया था, लेकिन अभिषेक ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उसके बाद यशराज फिल्म्स यानी कि आदित्य चोपड़ा ने सैफ अली खान को चुना रानी मुखर्जी के अपोजिट इस फिल्म में। और रानी मुखर्जी और सैफ अली खान के अलावा इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी आपको नजर आएंगे, और एक नई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में इस फिल्म से डेब्यू किया है। इनका नाम है शिरीन। शिरीन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है इस फिल्म से, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वरुण वी शर्मा। ये फिल्म आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकती है। वैसे तो मैं आपको बताया कि 2020 22 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, 2020 में 22 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाई। जैसे कि मैंने, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा, जो कि यशराज फिल्म के मालिक हैं। आप तो फिलहाल कभी ना मिल रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।